बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि फल नवंबर दिसंबर 2023 के बारे में कि कन्या राशि वालों का 1 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी विषय पर में मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको आपके पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका धन दौलत, आपके प्रेम संबंध, आपका व्यवसायिक जीवन, आपका पार्टनरशिप, आपका जमीन मकान, आपके माता पिता के साथ संबंध, आपका भाग्य का साथ, आपके धर्म कर्म के पालन, आपके दुश्मन के बारे में, सब कुछ के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। देवी और सज्जनों, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सूर्य का ही फलादेश बताने जा रहा हूँ कि सूर्य का 1 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक आपके ऊपर में क्या अच्छा अथवा क्या बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। बस इतना ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरे ग्रहों के बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में जब मैं बता देता हूं दो चार ग्रहों का फल, तो बहुत सारे आम जन ऐसे हैं जो ज्योतिष की जानकार नहीं है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब ये सही है या ये सही है, अच्छा वाला होगा या बुरा वाला, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने विचार किया कि सिंगल सिंगल ग्रहों के बारे में आपको फल बताऊंगा, 10-15 मिनट का छोटा छोटा वीडियो दूंगा। एक वीडियो जो 35 मिनट 40 मिनट की हो जाती थी उसको छोटा कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसिकाई किरो हाल है किरा छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, के मोनाचो मनक्कम खम्भा गणे हुकुम कैमती अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यं। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के द्वितीय भाव में और कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में सूर्य नीच का है और तीसरे भाव में सूर्य मित्र क्षत्रिय वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। इसका क्या प्रभाव होगा उसको समझाने का मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, सूर्य जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो महर्षि कहते हैं कि आपको कुछ 1 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक जो है, तो ये दूसरा भाव जो है देवी और सज्जनों मुख का होता है, तो कुछ मुख के रोग जो हैं आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। मुंह से संबंधित कुछ परेशानी, जैसे कि दांत में दर्द, जैसे कि मसूड़े में दर्द, स्वाद का कम आना, जीव से संबंधित कुछ परेशानी इत्यादि, किसी भी प्रकार का मुख रोग यानी कि मुख के अंदर से संबंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी परेशानी आपके सामने में 17 नवंबर से पहले पहले आ सकती है। उस पर मैं आपको सतर्कता बरतने की खूब आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव में यहाँ पर मैं सूर्य का बैठना, जबकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, फिर भी द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि ये आपको संपत्तिशाली भी बनाने की कोशिश करेंगे। नीच के हैं फिर भी आपको जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विशेष संपत्ति प्राप्ति का योग बनाएंगे, कहीं ना कहीं से जो है सो आपको चाहेंगे, इनका प्रयास रहेगा कि आपको दौलत कुछ प्राप्ति करवा दें, आपको कुछ धन की प्राप्ति करवा दें, आपको कुछ पैसा वैसा दिलवा दें, ऐसी जो है सो मनसा इनकी रहेगी भगवान सूर्य की कन्या राशि वालों के प्रति 1 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में। द्वितीय भाव में सूर्य के तुला राशि में बैठने के कारण आपको ये भाग्य का भी कुछ न कुछ साथ जो है सो अवश्य दिलवाएंगे। नीच के हैं इसलिए थोड़ा सा परेशानी से मिलेगा, लेकिन घबराना मत, धैर्य रखना, क्योंकि मिलेगा जरूर। तो क्या करेंगे, ये भाग्य का भी साथ दिलवाएंगे। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोई, होनी अनहोनी नहीं होनी हो सो होई, यानी कि ये जो है सो आपको राम भरोसे, भगवान भरोसे आपका काम जो है करवाने का हर संभव भगवान सूर्य जो है सो आपके लिए प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, तो आपको जो है सो सूर्य का साथ मिलेगा तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, महर्षि कहते हैं कि द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है
यहाँ पर मैं इसलिए आपको कुछ झगड़ालू किस्म का ये बना देगा, किसी न किसी बात पर मैं बिना मतलब का टेंशन तनाव की स्थिति को ये उत्पन्न करवाएगा, बिना मतलब का किसी न किसी व्यक्ति से टेंशन में आ जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लड़ने की कोशिश करने लगेंगे, जो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना आपको कुछ नेत्र, कर्ण, दंत, जो हमने आपको पहले भी बताया दांत के बारे में, आंख से संबंधित परेशानी, कान से संबंधित परेशानी और कुछ दांत से संबंधित परेशानी भी जो है सो देने की ये कोशिश कर सकते हैं। राजा, राजा के सिपाही, पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर्स, इन सबसे थोड़ा सा भय आपके मन में रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप जो है सो 17 नवंबर तक अपने आप में डर महसूस करेंगे, थोड़ा सा डरे हुए से रहेंगे। इस समय में आप अपने जीवन साथी के लिए जो है सो अपने कुटुंब से, अपने परिवार के लोगों से जो है सो लड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी जो है सो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए आपको, दोनों को संभाल करके अपने परिवार को भी और अपने जीवन साथी को भी, दोनों को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी आप ही की है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के द्वितीय भाव में बैठने के कारण सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, यहाँ पर में उच्च की दृष्टि पड़ेगी, और जब अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी तो जो बवासीर के रोगी होंगे उनको कुछ राहत होगा, जो पाइल्स के, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, जो पाइल्स के रोगी होंगे, बवासीर, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की जिनको परेशानी होगी, उनको जो है सो कुछ ना कुछ राहत महसूस होगा, लेकिन आपका चरित्र जो है सो गिरने का प्रयास करेगा। आपका पर स्त्री अथवा पर पुरुष पर में दिल आ सकता है, आपका मन जो है सो उसके प्रति बेचैनी महसूस कर सकता है, उधर आपका मन जाने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण कुछ झूठ वगैरह बोलने पर में भी जो है सूर्य आपको विवश कर सकते हैं, क्योंकि बोलने का भाव है दूसरा और दृष्टि है अष्टम भाव पर में, तो मिथ्यावादी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इनका ये प्रयास हो सकता है कि किसी भी प्रकार से आपको कुछ झूठ बुलवाया जाए, आपसे कुछ ऐसी उत्पन्न स्थिति उत्पन्न की जाए जिसके कारण जो है सो आप झूठ बोलें, आपको असत्य का सहारा लेना पड़े, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, असत्य का सहारा ना लेना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य का ये भी प्रयास रहेगा कि थोड़ा सा है कुछ और दिखाने की कुछ और कोशिश करेंगे, यानी कि पाखंडी बनाने का ये आपका प्रयास कर सकते हैं सूर्य देव आपको, क्योंकि नीच के हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ गई तो पाखंडी बनाने की कोशिश। पाखंडी का अर्थ कि मैं जो हूँ नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही पाखंड है, उसको ढोंग कहते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण ये आपको जो है सो कुछ ऐसे कार्य आपके हाथों से करवाने का प्रयास कर सकते हैं जिससे कि आपका शिकायत हो जाए, जिससे कि लोग ये कहें कि ये जो व्यक्ति है सो अच्छा नहीं है, यानी कि आपको शिकायत करवाने में भी आपका पीछे जो है सो नहीं हटेंगे। तो इससे कैसे बचेंगे आप, तो इससे आपको अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेना पड़ेगा, अपने बुद्धि की बदौलत, अपने विवेक की बदौलत आपको बचना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य का 17 नवंबर के बाद प्रवेश हो जाएगा तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में, 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। अब जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ वो 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक की कहानी है, उसको समझने का प्रयास करें। सूर्य का तीसरे भाव में प्रवेश आपको पराक्रमी बना देगा, आपके पराक्रम की चर्चा जो है सो हर तरफ समाज में होगी, लोगों को ये मानना पड़ेगा, लोगों को ये कहना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है कन्या राशि वाला, ये जो है सो बहुत पराक्रमी है, इसके पराक्रम के सामने अच्छे अच्छों की नहीं चलती। जब दुश्मनों के मुख से जब ये बात निकलेगी और आपके कानों तक पहुंचेगी तो आपका कलेजा चौला हो जाएगा, आप बहुत ही जो है सो अपने आप में गौरव अनुभव करेंगे। तो ये सूर्य का प्रभाव है, क्योंकि सूर्य आपकी भुजा पर बैठ गया, तीसरा भाव आपके भुजा का होता है, और जब सूर्य भुजा पे बैठ गया तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आपको भुजा में बल देगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, पराक्रम को आगे बढ़ाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के तीसरे भाव में बैठने के कारण आप ये भी अनुभव करेंगे कि ये जो है सो आपको
प्रतापी बनाएगा, आपके प्रताप की चर्चा हर तरफ होगी। ऐसा कहा जाएगा कि हमारे कुल खानदान में, हमारे गांव समाज में, हमारे परिवार में इतना प्रतापी व्यक्ति जो है एक वही हुए थे, उसके बाद ये हुआ अथवा आज तक कोई हुआ ही। यानी कि आपके गुणों की चर्चा जो है उसको सूर्यदेव करवाने का प्रयास करेंगे 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। समाज में लोग आपको पराक्रमी की दृष्टि से, लोग आपको प्रतापी की दृष्टि से देखेंगे, और ऐसी दृष्टि से देखने वाला होगा हर कोई, लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा, जो आपका दुश्मन होगा, जिसको आपसे जलन होगा, वो लोग आपकी शिकायत करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही दिखावा करता है, कुछ भी एवं प्रकार से कहना शुरू कर देंगे। देवी और सज्जनों, आप अनुभव करेंगे कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में ये सूर्यदेव जो हैं सो आपको राजमान्य भी बना देंगे, राजाओं से भी। यानी कि आपके गांव समाज के मुखिया, सरपंच, मेंबर, आपको मैं बता दूं कि मंत्री, एमपी, एमएलए, सांसद, ऑफिसर, सीनियर अधिकारी, इन सब जो आपसे ऊपर हैं, जो समाज में जिनका एक विशेष अस्तित्व है, उन सब के नज़र में भी आपका एक विशेष स्थान होगा, और वहाँ से आपको राजमान्य का अवसर दिया जाएगा। सब लोग सर्वसम्मति से आपका जो है सो मान सम्मान करेंगे। जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको आपका मान सम्मान जो है सो करना पड़ेगा, और वो लोग करेंगे भी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि जो कवि वर्ग के लोग हैं, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, जो फिल्म लिखते हैं, जो कहानी लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, अथवा जो कुछ भी लिखने का काम करते हैं, जिनका राइटिंग का काम है, उनको सूर्यदेव हाथों से रिटन पावर बहुत बढ़िया देंगे। अच्छी अच्छी कविताओं का निर्माण करेंगे, अच्छी अच्छी कहानियों का निर्माण करेंगे, अच्छे अच्छे निबंध लिखेंगे, अच्छे अच्छे जो है सो फिल्म लिखेंगे, मतलब अच्छे अच्छे गाने लिखेंगे। लिखने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के लिए ये सूर्य का जो है सो प्रभाव खूब बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको जो है सो अच्छा रिजल्ट मिलेगा लिखने वाले लोगों को। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपको जो है बंधु का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा। बंधु से अर्थात भाई से जो है सो बहुत ज़्यादा सुख की आशा करना, बहुत ज़्यादा सुख की कल्पना करना व्यर्थ है आपके लिए, आपको इस समय में नहीं करना चाहिए। भाइयों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा जो है सो आपको इस समय में नहीं रखनी चाहिए, आपके लिए वो ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आप ये देखेंगे कि जो भी कन्या राशि के व्यक्ति हैं उनको गुप्त विद्या की तरफ उनका रुझान विशेष हो जाएगा। उनका मन होगा जो गुप्त विद्या, जैसे कि तंत्र विद्या, जैसे कि ज्योतिष विद्या, जैसे कुछ साइंस के अलग प्रैक्टिकल्स इत्यादि, जो ऐसी विद्याएं हैं जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, गांव समाज में लोगों को पता नहीं है, अथवा जानते भी हैं तो गिने चुने लोगों को इसका ज्ञान है, ऐसे सभी लोग जो भी हैं उनमें से एक आप भी बनेंगे। यानी कि गुप्त विद्या प्राप्त करने के लिए आप भी खूब परिश्रम करेंगे। देवी और सज्जनों, गुप्त विद्या के साथ साथ इस समय में वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वाहन जो है सो चलाना आपके लिए थोड़ा सा जो है सो परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से चलाएंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस समय में आप बलवान बने रहेंगे, क्योंकि सूर्य आपके भुजा में बल का संचार करवा रहे हैं, सूर्य आपको जो है सो बलवान बनाने का देवी और सज्जनों प्रयास करवा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो वहाँ से नवम भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी, अर्थात भाग्य के घर पे पड़ेगी। और जब सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी तो क्या होगा, तो महर्षि कहते हैं कि नवम भाव पर में जब पूर्ण दृष्टि से सूर्य देखता है तो, और उसमें भी वृषभ राशि को देख रहा है, मित्र क्षेत्र में देख रहा है, तो धर्म का पालन करने वाला बनाता है। ये आपको धर्म की तरफ रुझान देगा, आप धर्म की तरफ जो है सो खूब आप पालन करेंगे, लेकिन कभी कभी आपका मन जो है सो धर्म की तरफ से उदास भी हो सकता है, छोड़ करके भागने की कोशिश भी कर सकते हैं। बड़े भाई अगर आपके कोई हैं, छोटे भाई से तो सुख का योग
ना के बराबर। लेकिन अगर बड़ा भाई कोई है, बड़ा साला है कोई आपसे, तो वहाँ से आपको कुछ लाभ कुछ फायदे मिलने के योग जो है सो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत अधिक परिश्रम, बहुत अधिक जो है सो क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रयास करने के बाद जो है सो आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये नवंबर दिसंबर का जो महीना है सो पारिवारिक जीवन के मामले में आपके लिए अच्छा है। मिला जुला करके एक अगर भाई का जो मामला है उसको अगर थोड़ा सा इग्नोर अगर कर दिया जाए तो पारिवारिक जीवन के मामले में अच्छा है। वित्त पैसों के मामले में भी जो है सो मिला जुला करके ठीक है। पैसा भी जो है सो भगवान कृपा से अच्छा ही नज़र आ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर बात की जाए आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध के मामले में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच का समय ज़्यादा बढ़िया है, उससे पहले वाला थोड़ा सा विपरीत है। स्वास्थ्य के मामले में 17 नवंबर तक जो है सो मुख से संबंधित किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू के विशेष योग है। पारिवारिक स्थिति के मामले में भी मिला जुला के ठीक ही है। भाई का एक पॉइंट छोड़ दिया जाए तो प्रेम संबंध के मामले में लगभग पूरा समय ठीक रहेगा। थोड़ा सा कुछ परेशानी अगर आएगी भी तो 17 नवंबर से पहले पहले तक ही आएगी। बिजनेस व्यवसाय के मामले में भी समय बहुत ही चमत्कारिक, बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा चलेगा। 17 नवंबर से पहले हल्का फल्का परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन मिला जुला के वैवाहिक जीवन भी ठीक चलेगा। आपके लिए जो है जो समय अच्छा नज़र आ रहा है कन्या राशि वाले, शुभ रंग की अगर बात करें तो इस महीने में आपका शुभ रंग जो है सो हरा है और शुभ दिन बुधवार का है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत कम समय में, छोटे से वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और अगला मंगल का बारे में बताऊंगा कि आपके कुंडली में इस महीने में मंगल का जो प्रवेश हो रहा है उसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।